आप अच्छे से सीख जाएंगे प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे इसका सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे रिसेंटली ओपन करके रखा है। तो क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, एक न्यू टैब ले लेना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है आर्या एडिट्स। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं आर्या EDITZ, आर्या एडिट्स आपको टाइप करके सिंपली सर्च कर देना है। ठीक है, अगर आप आर्या एडिट्स टाइप करके सर्च कर दोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लैंग्वेज जो है अलग हो गया है, तो मैं इसकी लैंग्वेज को पहले ठीक कर लेता हूँ। ये लैंग्वेज पता नहीं कैसे होगा, यहाँ से शायद, हाँ यहीं से होगा। तो गाइस मैं लैंग्वेज को सही कर लेता हूँ, इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, ये तेलुगु हो गया है पता नहीं कैसे, और हिंदी कर रहा हूँ तो हिंदी हो जा रहा है, तो चलो हिंदी इसको रहने देते हैं। वैसे हम वीडियो भी तो हिंदी में बना रहे हैं। तो आपको यहाँ से आर्या एडिट्स वाले फाइल को, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आएगी वेबसाइट, उसे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। देख पा रहे हो कि पिक्सआर्ट से भी एडिटिंग, बैकग्राउंड डाउनलोड, वेक्टर आर्ट, कार्टून, फोटो एडिटिंग ऐप, ऐसे आपको बहुत सारा पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पोस्ट सर्च करने का ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सर्च बार है, सर्च में आपको जाना है और सिंपली यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा 150। ठीक है, तो 150 हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, 150 प्लस हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, देन आपको कुछ इस तरीके से सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद जो 150 प्लस का हमने लाइटरूम प्रीसेट का पोस्ट लिखा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये रहा 150 लाइटरूम प्रीसेट का जो हमने पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, तो आपको नीचे की ओर जाना है, यहाँ पे आपको एक रेड कलर का डाउनलोड बटन मिलेगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन ये आपसे पूछ रहा है कि क्रोम से ही आप डाउनलोड करेंगे या फिर डायरेक्टली ड्राइव से ओपन करेंगे, तो आपको जो आसान लगे आप कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये जीमेल का एक्सेस मांग रहा है कि किस जीमेल से आप खोलना चाहते हो, सिलेक्ट अकाउंट। मैं कोई भी जीमेल से इसको ओपन कर लेता हूँ, ये एक रार फाइल में है, ये लिख रहा है ओपनिंग इन गूगल ड्राइव, तो ये गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से, जहाँ पे RAR फाइल लिखा हुआ था उस पर क्लिक करने के बाद देखो गाइस ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। एंड ये 275 KB का है, मतलब बहुत ही इजी है। आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो बहुत सारा XMP लाइटरूम प्रीसेट है ना, इसलिए बहुत ही कम MB का होता है, वो एक बहुत ही टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इसलिए बहुत आसान होता है। आप देख पा रहे हो कि ये पूरा 150 प्लस जो है प्रीसेट यहाँ पे आ गया है, ये पूरे जो है XMP प्रीसेट है, आप देख पा रहे हो कि पूरा यहाँ पे XMP लिखा हुआ है। तो इन सारे प्रीसेट को आप इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, इसके लिए आपको RAR ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप RAR ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप इजीली इसको एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, इस तरीके से आप प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। देन इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको लाइटरूम ऐप को ओपन करना है। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ से लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं।